हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर बैक विद एन इक्वेशन। कैलकुलेट द पावर सप्लाइड टू 10 ओम रजिस्टर। 10 ओम रजिस्टर में कितनी पावर सप्लाइड होगी वो बताना हमें। तो इस सर्किट को अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये 30 ओम का ये रजिस्टर है, इन दोनों के बीच में जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर सकते, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ नहीं कर सकते। जब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ नहीं कर सकते तो हमें नॉर्मल अप्रोच से ही जाना होगा। तो नॉर्मल अप्रोच से जाने के लिए देखो, यहाँ वो निकालो, I2 upon I1 कितना होगा। I2 upon I1 कितना होता है, ये N1 upon N2 हो गया 2, यानी 2/1। अब ये प्लस हो गया माइनस, पहले यहाँ पे देखो, I1 इसमें एंटर कर रही है, I2 भी एंटर कर रही है। जब दोनों करंट एंटर करती हूँ या दोनों लीव करती हूँ तो आता है यहाँ पे माइनस, अदरवाइज पॉजिटिव साइन। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो वोल्टेज वालों में, V2 upon V1 कितना हो गया, हो जाएगा V2 upon V1 यानी 1/2। ठीक है, N2 upon N1 होता है ना। अब इसको आप देखना पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव। V1 डॉटेड टर्मिनल पे पॉजिटिव है, ठीक है, और V2 जो देखो डॉटेड टर्मिनल पर नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आ रहा है इसके सामने, या डॉट के सामने पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो V1 पॉजिटिव, V2 नेगेटिव, एक पॉजिटिव जब दूसरा नेगेटिव हो तो क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है वोल्टेज में। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो वोल्टेज में आता है पॉजिटिव साइन। ठीक है, इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे, बस यहाँ से वैल्यू निकाल लो। किसकी निकाल लो, I2 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से कितनी आ जाएगी, -2 I1, और यहाँ से किसकी निकाल लो, V1 की, V1 = -2V2। बस ये लगाते हुए जाना है। अब क्या करो, बस KVL लगाओ इस वाले लूप में। मैं पहले KVL लगा रहा हूँ इस वाले लूप में, ऐसे करके। ठीक है, तो यह आया -120 एट एन एंगल ऑफ 0 प्लस 20I1 प्लस V1। यहाँ पे देखो 30I1 ऐसे जा रही है, इसमें I2 ऊपर को जा रही है, तो इससे कितनी करंट फ्लो होगी, 30I1 - I2 = 0। तो यहाँ पे लगाइए 20I1, V1 की जगह कितना है 2V2, 30I1, I2 की जगह कितना, ये माइनस का 2I1 लिखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2I1। ये 120 वाले को मैं इधर ले आया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20I1, ये हो जाएगा 3 यानी 90I1 -2V2 = 120 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 110I1 - 2V2 = 120 एट एन एंगल ऑफ 0। ठीक है, क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, 55I1 V2 यह जाएगा 60। इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड वाले लूप में लगाओ KVL, यहाँ से लगाना शुरू करता हूँ, 10I2 ठीक है, यहाँ पर आए 30 वाले में देखो, I2 ऐसे ऊपर जा रही है, I1 नीचे आ रही है, यानी 30I2 - I1 -V2 = 0। अब क्या करो, यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, पहले इसको चेंज करो, 10I2 - I1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी I2 की वैल्यू कितनी है, -2I1। तो हमें I1 में चेंज करना है, पहले इसको एक सेकेंड इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 30I2 - 30I1 - V2 = 0। यहाँ से V2 की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा, ये हो गया 40I2 - 30I1। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू पता, I2 = -2I1, तो V2 = कितना आ जाएगा, 40 × -2I1 - 30I1। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -80I1 - 30I1। ये आ गया V2 = 110I1। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ इस वाली इक्वेशन में लगा दो, तो फ्रॉम 1
क्या हो जाएगा, 55 I1 माइनस 110 I1 इजिकल्स टू 60 एट एन एंगल ऑफ 0। ठीक है, लिख देंगे फ्रॉम 1, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 165, यानी I1 कितना आ जाएगा, 60 अपॉन 165। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, इसको डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा कितना, 5 से क्या 12, और ये नीचे आया 33, इतने एम्पियर। ठीक है, I1 आ गया, I2 कितना आ जाएगा, माइनस टू आई वन। ठीक है, इसको अगर मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर लिखना है तो 2 एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, I1 की वैल्यू कितनी है, 12 बाय 33। तो यहाँ से IT जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करो, I2 की कितना आ जाएगा, एक सेकेंड रुको, चलो अभी देखो, 2 से इसकी मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, ये 24 अपॉन 33, ये हो जाएगा 180 डिग्री, इतने एम्पेयर। I2 आ गया, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो पावर सप्लाई जो होगी 10 ओम को कितनी होगी, इसमें 10 ओम की वो पावर सप्लाई इसमें कितनी होगी, 10 ओम में मोड ऑफ I2 आई स्क्वायर आर होती है ना, इससे करंट कितनी फ्लो हो रही है, I2 यानी आई स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। तो आई मोड ऑफ ये आ गया P10 जो होगी मोड ऑफ I2 स्क्वायर इंटू 10 ओम। तो मोड ऑफ I2 कितना हो जाएगा, मोड इसका एंगल हट जाता है जब मोड लेते हैं, तो 24 अपॉन 33 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10। जब इसको सोल्व करेंगे तो वो आएगा 5.29 वॉट। ठीक है, 5.29 वॉट की पावर सप्लाई होगी रजिस्टर को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, काफ़ी आसान है, बस KVL ही लगाना था, KVL से ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, और रिलेशनशिप निकालनी थी ताकि कम से कम वेरिएबल यूज़ हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।